भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने यमुना विहार में चाय और पकौड़ा पार्टी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का इंतजाम केंद्र सरकार के प्रस्तावित बजट पर स्थानीय नेताओं और पार्षद के साथ चर्चा के लिए किया गया था। इस मौके पर संसदीय क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्ष एवं निगम पार्षद मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के शोपिया में हुए फायरिंग में सैन्य अफसर मेजर आदित्य पर दर्ज FIR के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की, जिस पर सुनवाई करते हुए मेजर आदित्य के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने मेजर आदित्य के मामले में जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान में भारत के जाली नोट छापकर उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए मालदा होते हुए दिल्ली में खपाया जा रहा है। ये खुलासा स्पेशल सेल के हाथ लगे शातिर आदमी ने किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें जीत कर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी सरकार 14 फरवरी को 3 वर्ष पूरा करने जा रही है। आपके इन 3 साल के कामकाज पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। मनोज तिवारी का कहना है कि इन 3 वर्षों में सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रही और दिल्ली में विकास कार्य 30 वर्ष पीछे चला गया है। जिम्मेदार विपक्ष की तरह बीजेपी इसके खिलाफ जन आंदोलन चलाएगी। देश में चुनाव के बाद बूथ के आधार पर मतगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करते हुए 5 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के फेज 1 में सोमवार को आग लग गई। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक के जूते बनते हैं और प्लास्टिक होने की वजह से आग की लपटें आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों तक जा पहुंची। फैक्ट्री के पास केमिकल के बड़े बड़े गोदाम थे जिनमें केमिकल के ड्रम रखे हुए थे। यदि आग इन केमिकल के गोदामों तक पहुंचती तो हादसा काफी बड़ा हो सकता था। सरकार के ताजा रिपोर्ट की माने तो पिछले 2 साल में देश का वन क्षेत्र बड़ा है। वन विभाग ने दावा किया है कि पिछले 2 साल के दौरान देश के वन क्षेत्र में 8021 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और पर्यावरण राज्य मंत्री ने महेश शर्मा द्वारा जारी इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। द्वारका सेक्टर 13 में तेज रफ्तार बस और कार के बीच हुई टक्कर में कार में सवार 6 स्कूली छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के वक्त मौके से फरार हो रहे आरोपी ड्राइवर को राहगीरों ने धर दबोचा और जमकर पिटाई की, इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिए। हादसे में घायल छात्राओं को द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हज यात्रियों के इंतजामों की देखभाल के लिए एक स्वतंत्र कमेटी बनाए जाने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई की। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि याचिका में उठाई गई चिंताओं पर जल्द विचार किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मसला है और इस पर जल्द विचार किया जाना चाहिए। राजनगर एक्सटेंशन में बलात्कारी बाबा राम रहीम का अवैध आश्रम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने तोड़ दिया। यह आश्रम डूब क्षेत्र में बना था और 1 एकड़ में बने इस आश्रम के इर्द गिर्द की जमीन पर भी बाबा के लोगों ने कब्जा कर रखा था। साथ ही आश्रम पर कई तरह के शासकीय मानकों को पूरा न करने का आरोप भी है, जिसके चलते गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।